हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YPS रणौली YouTube स्टडी चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके आगे के क्वेश्चन 12 एंड 13 के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो आपके दो क्वेश्चन और रहेंगे 14 और 15 वो अपने सैलरी में बात करेंगे, वहां पर अपना चैप्टर जो खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपना जो भी चैप्टर है उसको कट करेंगे। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसमें मैंने टोटल चार पार्ट थे, उसमें से दो पार्ट मैंने आपको करवाए थे और दो पार्ट आपने कर लिए होंगे। मैं फिर से याद दिला देता हूं, अगर किसी ने नहीं किए हैं, किसी के पेंडिंग रह गए हैं तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से क्या होने वाले हैं। हालांकि मैंने उस वीडियो में बता दिया था, फिर भी अगर किसी के रह गए हों, किसी ने सॉल्व नहीं किए हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 की, तो देखिए क्या बोलते हैं। हाँ जी, आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो ये बोल रहा है इफ ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है देन फाइंड ए इनवर्स। पहला आपका क्वेश्चन इतना ही कि अगर ये कोई मैट्रिक्स आपकी ए है तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। उसके बाद में क्या दे रहा है, एंड ऑल्सो सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। उसके बाद में हमें ये जो इक्वेशन दे रही है उन दोनों इन सभी इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 8 और माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 7। जरा ध्यान देंगे, जब हम इन इक्वेशन से यहां से a बनाएंगे तो वो a यही मैट्रिक्स बनने वाली है, ठीक है। तो हमें फिलहाल क्या करना है, यहां से a इनवर्स फाइंड करना है। तो a इनवर्स के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, a इनवर्स के लिए उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो चेक करते हैं कि क्या डिटरमिनेंट ऑफ a पॉसिबल है कि नहीं। तो डिटरमिनेंट ऑफ a के लिए क्या करना होगा, यहां से 1 को ओपन रखा फिक्स, फिर क्या करेंगे 1 * 1 किया हो गया 1, माइनस क्या करेंगे 3 * 2 क्या हो जाएगा 6, माइनस का होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6, फिर क्या होगा फॉर्मूले में माइनस और यहां पे क्या माइनस 2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2। ये इसको अपन फिक्स कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 * 1 2 माइनस 3 * 0 ये हो जाएगा 0, प्लस क्या हो जाएगा 0 * 2 * माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 4, माइनस 1 * 0 ये हो जाएगा 0। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमें यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा 6 में 1 हो गया 7 और 7 बन गया 7, प्लस 2 माइनस 0 हो गया 2 और 2 2 जा 4 और आगे वाली वैल्यू क्या होगी 0, तो ये क्या मिल गया 11। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हम यहां से ये कह देंगे जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट तो करता है। जब अब ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता है तो हम जानते हैं कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम बात किसकी करेंगे, यहां पे एडजॉइंट की बात करेंगे। तो एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। तो जरा देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं C11 की। तो कोफैक्टर ऑफ दिस नंबर, इसका कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर 1+1 और क्या हो जाएगा 1 3 -2 और 1। तो इसकी जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा आपका 1+6 यानी कि 7। बात करेंगे C12 की, तो C12 की वैल्यू यहां से क्या होगी, ये हो जाएगा -1 की पावर 3, फिर नंबर क्या मिलेगा आपको 20 और 31, ये हो गया 20 और ये हो गया क्या 31। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर 3 यानी ये हो जाएगा अंदर नेगेटिव आएगा और अंदर क्या मिलेगा 2 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2। बात करेंगे C13 की, तो देखो C13 क्या होगा, -1 की पावर 4 यानी कि नंबर क्या होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर क्या मिलेगा 2 - 2 यानी कि माइनस का 4 मिलेगा, माइनस क्या हो जाएगा 0 यानी क्या मिलेगा माइनस का 4 मिलेगा। मैं डायरेक्ट यहां लिखता हूं C13 की वैल्यू। इसी प्रकार से C21 की वैल्यू, C21 की वैल्यू क्या होगी, देखो 2+1 -1 की पावर क्या होगा 3 होगा, तो नंबर क्या मिलेगा हमें ऑड मिलेगा, तो माइनस की पावर ऑड नंबर क्या होता है माइनस साइन आएगा, अंदर नंबर क्या आएगा, मैं ये नंबर लिया ना तो यहां से क्या आएगा, ये वाली कॉलम और ये वाली रो हेड होगी तो क्या होगा -2 * 2 किया तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस क्या होगा -2 * 2 तो क्या हो जाएगा 0, -2 - 0 क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस बाहर आ गया अंदर क्या आएगा माइनस का 2 यानी कि 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे C22 की, तो C22 क्या होगा,
माइनस वन की पावर इवन, माइनस वन की पावर क्या हो जाएगी फोर, यानी कि इवन होगी तो क्या हो गया प्लस वन, अंदर क्या आएगा ये वाली कॉलम, ये वाली रो हेड होगी तो क्या हो गया वन इंटू वन, वन हो गया, माइनस जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन आगे बात करेंगे सी वन थ्री की, सॉरी सी टू थ्री की, तो सी टू थ्री में क्या होगा माइनस वन की पावर फाइव हो जाएगा, ऑड हो जाएगा यानी कि माइनस का साइन यहां पे आएगा, अंदर क्या आएगा देखो देखिए जरा सी टू थ्री ये वाला कॉलम है, ये वाला आपका एलिमेंट है, तो यहां से ये वाला रो और ये वाला कॉलम हेड करेंगे क्या बचेगा माइनस टू इंटू वन माइनस का टू, और माइनस क्या हो जाएगा जीरो इंटू टू यानी कि जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का टू, तो जब इसको सोल्व किया तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी टू आ जाएगी। इसी प्रकार से थर्ड रो की बात करेंगे तो सी थ्री वन माइनस वन की पावर फोर इवन है, यानी कि नंबर क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, नंबर मिलेगा क्या देखिए जरा ये वाला पॉइंट है तो क्या हो जाएगा ये रो ये कॉलम गया तो क्या हो जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स, किसका माइनस का सिक्स माइनस सिक्स। इसी प्रकार से सी थ्री टू किसका होगा माइनस का होगा, माइनस वन की पावर फाइव यानी माइनस होगा, अंदर चेक कीजिए क्या मिलेंगे नंबर्स थ्री टू क्या वन से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा किसका प्लस का, और माइनस टू इंटू जीरो क्या तो जीरो, तो ये हो जाएगा क्या माइनस का थ्री। इसी प्रकार से बात करेंगे सी थ्री थ्री की माइनस वन की पावर सिक्स यानी इवन है तो नंबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, अंदर नंबर क्या मिलेंगे यहां पे चेक किए वन इंटू वन वन हो गया माइनस टू इंटू माइनस टू यानी कि माइनस का फोर, तो ये हो जाएगा वन माइनस फोर भी होता है टू इंटू माइनस टू क्या होता है माइनस फोर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस फोर, तो ये क्या हो जाएगा यहां से फाइव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स इसको अपन सी नाम दे देते हैं, और वो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी सबसे पहले सी वन वन क्या आया सी सेवन, सी वन टू क्या आया माइनस टू, सी वन थ्री क्या आया माइनस फोर, सी टू वन क्या आया ये टू, सी टू टू वन, सी टू थ्री टू, सी थ्री वन माइनस का सिक्स, सी थ्री टू ये हो गया माइनस का थ्री, और सी थ्री थ्री क्या है फाइव, ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हम जानते हैं कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो इसका ट्रांसपोज अपन करेंगे तो मैट्रिक्स के अपने पास में सेवन माइनस टू माइनस फोर टू वन टू माइनस सिक्स माइनस थ्री और फाइव, इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है ट्रांसपोज करना है, तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमें जिस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी यहां से सेवन ये हो गया माइनस टू ये हो गया माइनस फोर ये हो गया टू ये हो गया वन ये हो गया फिर से टू ये माइनस सिक्स माइनस थ्री और ये फाइव, तो ये मुझे क्या मिल गया यहां से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिल गया। अब जब एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा तो एडजॉइंट के बाद में हमारे पास में जो इनवर्स का फॉर्मूला है वो देखिए क्या होता है तो ए इनवर्स का अपना जो फॉर्मूला है वो क्या होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हम यहां से रखेंगे सबसे पहले जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है इलेवन थी तो ये हो जाएगा वन अपॉन इलेवन, और साथ में एडजॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी सेवन टू माइनस सिक्स माइनस टू वन माइनस थ्री माइनस फोर टू और फाइव, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू एडजॉइंट ऑफ सॉरी ए ऑफ इनवर्स की वैल्यू। अब क्वेश्चन ये है कि जब आपका ए इनवर्स आ जाए तो उसके बाद क्या करना है हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की वैल्यूज फाइंड करनी है, इसका आपका जो सॉल्यूशन फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब देखिए जो इक्वेशन है उस इक्वेशन से अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं तो मुझे मैट्रिक्स क्या मिलेगी, ये तो आपका पहला आंसर हो गया। नाउ लेट अस से द गिवन इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो हमें क्या मिलेगा देखिए यहां से मुझे ए की वैल्यू क्या मिलेगी, जो ए है उसकी वैल्यू मिलेगी ए क्या होता है कोफिशिएंट्स ऑफ द वैल्यूज, तो यहां से ए की वैल्यू मुझे मिलेगी जो अक्सर कोफिशिएंट क्या है वन है, वाई का कोफिशिएंट क्या है माइनस का टू है, और जेड का कोफिशिएंट वहां पे क्या है जीरो है,
सेकेंड में यहां से बताइए एक की वैल्यू क्या क्या मिलेगा, ये टू हो जाएगा, ये वन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा थ्री। थर्ड इक्वेशन में क्या है, एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई का कोएफिशिएंट क्या है माइनस का टू है और जेड का कोएफिशिएंट है वो क्या है वन। उसी प्रकार से एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एक्स वाई और जेड, और इसी प्रकार से जो बी की वैल्यू है वो क्या होगी कॉन्स्टेंट वैल्यूज, और वो वैल्यूज क्या है टेन एट और सेवन, ये हो गया टेन, ये हो गया एट और ये क्या हो गया सेवन। अब हम जानते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स मेथड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर यहां से ए एक्स इक्वल टू बी होता है तो हम एक्स को क्या ले सकते हैं ए इनवर्स बी। जरा चेक कीजिए ये जो ए है क्या यही ए है, तो हमें यहां पे तो करना क्या है इसका इनवर्स फाइंड करना है, और इसका इनवर्स अपने जो यहां पे किया है ये सब क्या है उसका इनवर्स अपन फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहां से क्या होगा एक्स की वैल्यू क्या है एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू क्या क्या होगी यहां से वन अपॉन इलेवन और साथ में वैल्यूज क्या क्या है सेवन टू माइनस सिक्स माइनस टू वन माइनस थ्री माइनस फोर टू और फाइव। इसके साथ में ए इनवर्स इंटू बी, बी की वैल्यूज क्या क्या है ये होगी टेन एट और सेवन, ये होगी बी की वैल्यू। अब इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या क्या वैल्यूज मिलेगी देखिए जरा, ये हो गया एक्स ये वाई और ये जेड इज इक्वल टू वन अपॉइंट इलेवन बाहर रहने दो, और यहां पर क्या करेंगे ये वाले रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम से, तो क्या मिलेगा सेवन इंटू टेन किया क्या हो गया सेवनटी, टू इंटू एट किया क्या हो गया सिक्सटीन, माइनस सिक्स इंटू सेवन किया क्या हो जाएगा माइनस का फोर्टी टू हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस टू इंटू टेन किया तो क्या हो जाएगा माइनस का ट्वेंटी हो गया, वन इंटू एट किया क्या हो गया प्लस का एट हो गया, माइनस थ्री इंटू सेवन किया क्या हो गया माइनस का ट्वेंटी वन हो गया। इसी प्रकार से माइनस फोर इंटू टेन किया क्या हो गया माइनस का फोर्टी हो गया, टू इंटू एट किया क्या हो गया सिक्सटीन हो गया, और फाइव इंटू सेवन किया कितना हो गया थर्टी फाइव हो गया। जब इन सबको यहां से अपन सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, देखो वन अपॉइंट इलेवन बाहर रखा है जगह, सेवनटी प्लस सिक्सटीन कितना होता है एट्टी सिक्स होता है, एट्टी सिक्स में से अगर अपन माइनस करेंगे फोर्टी टू को तो यहां से बचेगा कितना फोर्टी फोर बचेगा, ट्वेंटी और ट्वेंटी वन दोनों माइनस करेंगे क्या हो जाएगा फोर्टी वन हो जाएगा, तो माइनस का फोर्टी वन प्लस का एट कितना बच जाएगा माइनस का थर्टी थ्री बच जाएगा। इसी प्रकार से थर्टी फाइव प्लस सिक्सटीन कितना होता है ये होता है फिफ्टी वन, और फिफ्टी वन से माइनस करेंगे फोर्टी को तो क्या बचेगा प्लस का इलेवन बच जाएगा। इसको जब और आगे तो यहां से वन अपॉन इलेवन है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से हमें क्या वैल्यूज मिलेगी देखिए जरा, ये एक्स वाई और जेड जो है वो इक्वल होगा इसके फोर्टी फोर अपॉन इलेवन कितना होता है फोर होता है, माइनस थर्टी थ्री अपॉन इलेवन कितना होता है माइनस का थ्री होता है, और इलेवन अपॉन इलेवन कितना होता है वन। जब ये वाली वैल्यूज आ गई तो हम क्या करेंगे यहां से कंपेयर करेंगे सभी को, जब कंपेयरिंग करने के बाद क्या मिलेगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी फोर, वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस का थ्री, और जेड की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी वन, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, देखिए दोबारा से बात करिए हमें यहां से क्या कहा गया इसमें, सबसे पहले जो एक आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू दे रखी थी हमें क्या करना है वहां से ए की वैल्यू सॉरी यहां से ए का इनवर्स फाइंड करना है, और फिर कहा कि जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमने क्या किया ए इनवर्स फाइंड किया, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया, अगर आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ए इनवर्स क्या है एग्जिस्ट करता है, और आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में यहां पर जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा। जब हमने अपने ए इनवर्स यहां पर फाइंड सॉरी यहां पर जब अपने डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया फिर हम क्या करेंगे यहां से इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद में क्या करेंगे हम करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जिसे हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं, तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए के बाद में क्या फाइंड करेंगे ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, जिसके फॉर्मूले में हम यहां से वैल्यूज पुट करेंगे और ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में हमें यहां क्या मिल जाएगा ए इनवर्स मिल जाएगा। फिर जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन देता है उसको सोल्व करना है, तो क्या करेंगे यहां से इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है ए इक्वल टू बी होता है, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी
ए इनवर्स इनटू बी, अब यहां से ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास दे रखी है और बी की वैल्यू क्या होती है, वहां से सभी जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है 10, 8 और 7 वही संख्या हो जाएंगी बी होंगे, तो इस ए इनवर्स को आप बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी एक्स वाई और जेड की अलग अलग वैल्यूज क्या क्या मिल जाएगी, 4, -3 और 1 आपको वैल्यूज मिल जाएगी। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। एक बार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके इसी प्रकार से अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तो आपका 13 है, वो क्या बोलता है, क्वेश्चन जो आपका है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान देना होगा और ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पर आपको इनवर्स वगैरह फाइंड नहीं करना है, जैसे कि आपको इसमें दे रखा है, यहां पे देखिए जरा हमें इक्वेशन दे रखी है, सिस्टम दे रखा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है जिसका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन और हम जानते हैं कि इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, मैट्रिक्स मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का जो मैट्रिक्स आपको गिवन होगी उस मैट्रिक्स का इनवर्स आपको फाइंड करना होता है, लेकिन यहां पर अपन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कहा गया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ये एंड ये। सबसे पहला काम क्या है, मैट्रिक्स इस वाली का और इस वाली का, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो क्या करेंगे यहां से सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या होता है, मैट्रिक्स जो आपकी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है वो है आपके पास में -4, -4, -7, 1, 3 और 5, -3, -1 और सेकंड मैट्रिक्स क्या है 1, -1, 1, 1, -2, -2 और 2, 1 और 3। तो देखिए क्या होगा जब अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैं मान लेता हूं कि एक मैट्रिक्स आपकी ए है और एक मैट्रिक्स आपकी क्या है बी है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4, ये 4 और ये भी 4, ये हो गया माइनस का 7, ये 1 और ये 3, ये हो गया 5, -3 और -1। ये तो होगी मैट्रिक्स ए में लिख दिया, इसी प्रकार से लिखेंगे मैट्रिक्स बी को, तो मैट्रिक्स बी क्या होगी 1, -1, 1, यहां से क्या हो जाएगी 1, -2, -2 और ये क्या हो जाएगी 2, 1 और 3। तो देखिए यहां से क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, इसका तो लेंगे रो और इसकी क्या लेंगे कॉलम। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ए डॉट बी की वैल्यू यहां से क्या मिलना शुरू हो जाएगी, -4 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या मिलेगा -4, 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से क्या मिलेगा +4, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से क्या मिलेगा 4 × 8। तो पहली रो को मल्टीप्लाई किया पहले कॉलम से, मुझे क्या मिल गया पहला एलिमेंट मिल गया। अब क्या करेंगे, पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो क्या मिलेगा सेकंड वाला आपको एलिमेंट मिल जाएगा, तो क्या होगा -4 × -1 + 4, 4 × -2 - 8 और 4 × 1 + 4। इसी प्रकार से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा -4 × 1 - 4, 4 × -2 - 8 और प्लस में 4 × 3 क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगी क्या इसकी मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो का पहला एलिमेंट मिलेगा, तो क्या होगा -7 × 1 - 7, 1 × 1 + 1 और 3 × 2 + 6। इसी प्रकार से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इक्वल टू क्या होगा 8 × 2 में मिल जाएगा, तो 8 × 2 की वैल्यू क्या होगी -7 × -1 = 7, 1 × -2 - 2 और 3 × 1, तो क्या हो जाएगा 1, 3। इसी प्रकार से सेकेंड रो थर्ड कॉलम इक्वल टू 8 × 3, तो क्या मिलेगा -7 × 1 - 7 प्लस 1 × -2 - 2 और 3 × 3, 9। आगे बात करते हैं
थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 1 5 माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 3 और माइनस 1 इंटू 2 माइनस का थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस का 6 और माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस का आधा। थर्ड रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लास्ट एलिमेंट, तो क्या होगा 5 इंटू 1 5 माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो ये मुझे क्या मिल गया, यहां से जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई हमने एक बार कर लिया, सभी रो को और सभी कॉलम्स को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इस प्रकार से ये ए डॉट बी मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सभी को सोल्व करेंगे और सोल्व करते हुए इनकी वैल्यू को यहाँ से लिखेंगे। तो देखिए क्या मिलता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 8 + 4 सॉरी ये दोनों कट जाएंगे, क्या मिलेगा यहाँ से 8 मिल जाएगा, यहाँ से 4 + 4 कितना होता है 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0, माइनस 8 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 12 प्लस 12 क्या हो जाएगा 0, माइनस 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 0, 7 प्लस 3 कितना था 10, 10 माइनस 2 8, माइनस 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 5 0, माइनस 6 प्लस 6 0, 6 प्लस 5 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8। तो यहां से इसको और आगे सॉल्व करेंगे, 8 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी यहां से 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और इसको हम और आगे क्या बोल सकते हैं 8 × i बोल सकते हैं। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, तो क्या बोल सकते हैं इसको 8 × i बोल सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास में a × b इक्वल हो जाएगा किसके 8 × i के। ये बहुत ही ज्यादा काम की बात है अपने लिए, यहां से प्रोडक्ट अपना यहीं पे आ गया था, ये मतलब ये आपका प्रोडक्ट है, लेकिन क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आ गया उस क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ा सा आप जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहां तक अपना हो गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स, ये अपना काम हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड देन सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और यहां पर जो इक्वेशन का सिस्टम है इसमें जरा आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी ए उस पर गौर फरमाइएगा। यहां से मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 − 1 1 1 − 2 − 2 1 2 1 और 3, जरा क्या ये मैट्रिक्स बी है क्या, हमें क्या करना पड़ेगा इस वाली मैट्रिक्स का यहां से इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। और क्यों ने हम इसका जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का इनवर्स यहीं से डायरेक्ट फाइंड कर लूं, तो इस मैट्रिक्स का यहां से इनवर्स क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका 8 है इसको मैं इधर ले आऊं तो क्या बनेगा, यहां से आपका ये हो जाएगा 1/8 × a और साथ में क्या हो जाएगा आई हो जाएगा 1/8 × a इज इक्वल इंटू बी हो गया, ये बी साथ में था इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं इस कंप्लीट को दोनों तरफ अगर बी इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा 1/8 a × में हो जाएगा बी मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इंटू बी इनवर्स। देखिए जब b को हम b इनवर्स से कैंसिल कर देंगे तो यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी i × b इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या होता है सेम टू सेम मैट्रिक्स वापस से मिल जाती है। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, जो b इनवर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8 × a हो जाएगी। तो 1/8 a जरा निकाल लेंगे, 1/8 अपनी जगह रखा और a की जो वैल्यू है वो अपने पास यहां रखी हुई है, तो a की वैल्यू क्या होगी यहां से, ये हो गया 1 − 2 0 2 1 3 0 − 2 1 0 − 2 1 1, ये हो जाएगी अपने पास किसकी वैल्यू b इनवर्स की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी। अब जब आपको यहां से b इनवर्स की वैल्यू यहां से मिल जाएगी तो उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो आपकी सिस्टम रहेगा इक्वेशंस का इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे तो देखिए जरा, इस इक्वेशन से यहां पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी जरा देखिएगा, इसको मैं हमेशा पर लिखते हैं क्या ax = b लिखते हैं इस बार, क्योंकि अपने पास में a और b अलग मैट्रिक्स है पहले मान चुका ऑलरेडी। तो इस क्वेश्चन में मैं इसको क्या लिख देता हूं,
बी एक्स इज इक्वल टू सी, क्योंकि बी क्यों लिख काम ले रहा हूं, क्योंकि इससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो और ये वाली मैट्रिक्स सेम है, इसलिए मैंने बी को तो रख दिया सेम, और एक जो यहां पे जो आपका बनेगी मैट्रिक्स उसको एक तीसरा वेरिएबल नाम दे दिया, क्या सी दे दिया। तो यहां से क्या होगा, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस कैन बी रिटन एज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज बी एक्स इज इक्वल टू सी, और यहां पे b और c की वैल्यू क्या क्या होगी जरा देखिए, वेयर एज वैल्यू ऑफ b क्या है, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 2 और क्या है 2 1 और 3। x की वैल्यूज क्या क्या होगी, x y और z, और इसी प्रकार से जो c की वैल्यू है वो क्या क्या होगी, 4 9 और ये होगी c की वैल्यूज। जब ये सभी वैल्यूज अपने पास मिली है इस प्रकार से हो जाएगी, तो अब यहां से आपका x का जो वैल्यू होगा, x की वैल्यू यहां से क्या होगी, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज b इनवर्स मल्टीप्लाई बाय c। अब यहां से हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है किसकी, b इनवर्स की, उसको मल्टीप्लाई करना है c से, तो आपका आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, यहां से ये हो गया x, ये y और ये z, b इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/8, ये वैल्यूज क्या क्या, यहां से ये हो गया 1 माइनस 2 0 2 1 3, ये 0 ये माइनस 2 और ये 1, इन टू में क्या करना है, c की वैल्यूज क्या क्या है, ये होगी 4 9 और 1, और यहां से x y और z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8, इन टू में क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, 1 × 4 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 9 × 2 कितना हो जाएगा, 18 प्लस ये हो गया कितना, 0, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 9 बन जाए हो जाएगा 9 और प्लस 3 बन जाए कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार से 0 × 4 कितना हो जाएगा, 0 माइनस 9 × 2 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 1 × 1 1। तो जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स क्या मिलेगी, यहां से हमें जो वैल्यूज हमें यहां से मिलने वाली है वो वैल्यूज हमें क्या मिलेगी, देखिए जरा, ये हो जाएगा यहां से माइनस का 14/8, ये हो जाएगा 9+8 17, 17+3 20/8, और ये क्या हो जाएगा यहां से माइनस का 17/8। तो यहां से क्या क्या वैल्यू मिल जाएगी, एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8 आ गया यहां पे, और यहां से नंबर क्या क्या मिल जाएंगे हमें, माइनस का 14 ये हो जाएगा, प्लस का 20 और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 17। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से ये जो आपकी वैल्यूज है इन सभी वैल्यूज को आप 8 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। एक छोटा सा आपने मिस्टेक कर दिया है, छोटा नहीं बहुत बड़ा मिस्टेक है, यहां पर जो 8 की वैल्यू है, हमारे पास जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू ये थी, लेकिन हमने बाई मिस्टेक यहां पर ए की वैल्यू ये वाली रख दी है, बस इसको सोल्व करते हैं, इतना इतना बस सोल्व करेंगे अपन, तो जहां जहां ए है उसको अपन चेंज करेंगे बस ये, तो आगे का तो पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए क्या होगा, यहां पर जो ए की वैल्यू है वो क्या होगी, ये होगी ना माइनस 4, 4 और 4, ये हो जाएगा माइनस 7, 1 और 3, और ये क्या हो जाएगा 5, माइनस 3 और माइनस 2। अब जब ये a की वैल्यू हो गई तो यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगी, यहां से ओवरऑल वैल्यू b इनवर्स हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, b इनवर्स की जगह हो जाएगा 1/8 माइनस 4, 4 और 4 माइनस 7, 1, 3, ये 5, ये माइनस 3, ये माइनस 1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, 9 और 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1/8 अपनी जगह है, ये क्या हो जाएगा माइनस 4 × 4 क्या, तो
माइनस का 16, 4 इंटू 9 36, प्लस 4 इंटू 1 4, माइनस 7 इंटू 4 किया तो माइनस का 28, 1 इंटू 9 प्लस का 9 और 3 इंटू 1 प्लस का 5 इंटू 4 किया प्लस का हो गया 20, माइनस 9 इंटू 3 27 और माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। इसको जब और आगे हम सोल्व करेंगे तो यहां से इसकी वैल्यूज क्या क्या मिलेगी, देखिए 1 अपॉन 8 अपनी जगह है, 36 प्लस 4 हो गया 40, 40 माइनस किया हमने 20, सॉरी 16 तो क्या मिलेगा यहां से 24 मिलेगा, 9 प्लस 3 कितना होता है 12, और 12 में से माइनस किया 28 को तो यहां से क्या मिलेगा माइनस का 16। इसी प्रकार से माइनस 27 और माइनस 1, माइनस का 8, माइनस 8 प्लस 20 तो हो जाएगा माइनस का 8। जब यहां से इस 8 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू मिलेगी देखिए जरा, 24 अपॉन 8 3, माइनस 16 अपॉन 8 माइनस का 2 और माइनस 8 अपॉन 8 माइनस का 1। जब यहां से इन सभी वैल्यूज को यहां से कंपेयर करेंगे तो यहां से वैल्यूज क्या क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 और जेड की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी माइनस का 1। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखिए दोबारा से एक बार के लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया था आपको, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दी हुई है, हमें उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है यानी उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी हमने किया, उसको कैसे करते हैं, इसका रो लिया, इसका कॉलम मल्टीप्लाई किया, इसकी उसको बोलते हैं रो इनटू कॉलम प्रोडक्ट अपन बोलते हैं, और यही अपन नॉर्मली कभी भी मैट्रिक्स का अगर आपको प्रोडक्ट गिवन हो तो अपन ऐसा ही करते हैं। तो इसको जो मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला ये वाला, यहां से 8 कॉमन लिया हर एक कॉलम में से या हर एक रो में से, तो मुझे क्या मिल गया 8 इनटू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां से मिल गई। अब जो आपकी ये था ए डॉट बी टू 8 आई, इसको हम क्या ले सकते हैं, जो आपका 8 है उसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8 इनटू ए और इनटू बी आपका जगह पड़ा है इक्वल टू क्या हो जाएगा आई। इस कंप्लीट को अपन में अगर मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8 ए इनटू बी इनवर्स इक्वल टू आई इनटू बी इनवर्स, बी से आपका बी इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। और आप जानते हैं कि किसी भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो मुझे क्या मिलता है, वो सेम मैट्रिक्स आपको मिल जाती है, ए इंटू आई करते तो मुझे ए मिलता है। तो यहां पे क्या होगा बी इनवर्स इंटू आई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बी इनवर्स यहां पे मिल जाएगा, तो ये मुझे क्या मिल गया यहां से बी इनवर्स मिल गया। अब जब आपका ये जो बी इनवर्स मिला है इसके बाद में यहां पे किया, तो यहां से जो बी इनवर्स हमने किया है वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8 इंटू ए, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू बी इनवर्स की, ये देखो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 ए, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 1 अपॉन 8 और ए की वैल्यू जरा ध्यान से रखना है ये वाली वैल्यू यहां से हो जाएगी। अब इसका मतलब कह सकते हैं कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस कौन सी, ये वाली इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज बी एस इक्वल टू सी वेयर बी इज इक्वल टू ए सी सॉरी एस इक्वल टू ए एंड सी इक्वल टू ए। अगर सिस्टम ये है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन विल बी एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स सी, और यहां से हम बी इनवर्स की वैल्यू पीछे से पुट करेंगे, सी की वैल्यू आपके पास में गिवन है, और फिर क्या करना है बी इनवर्स और सी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा सिस्टम का सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन हमें क्या मिला एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू माइनस 2 और जेड इक्वल टू माइनस 1। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 हमने आज कर लिया है, बचे आपके दो क्वेश्चन वो करेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद। अगर किसी को समस्या हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। ओके थैंक यू।